Good afternoon, students, and welcome back to our channel Learn with Priya. I am your science mentor, Ms. Tanishka, and this is the second part of Lakhmir Singh Science, Chapter 1st, Nutrition in Plants. So, today we are going to study about the other modes of nutrition in plants. So, first mode is parasites, second is saprophytes, third is insectivorous plant, and fourth is symbiotes. So first of all, we are going to recap our old topic, that is autotroph and heterotroph. So autotrophs are those plants which can make their own food by the process of photosynthesis, where heterotroph are those plants which cannot make their own food by the process of photosynthesis. So let's come back to point. There are four modes: parasites, saprophytes, insectivorous, and symbiotic. Parasites. First of all, we'll clear parasite. What is parasite? A plant which live on or inside another organism and derive the food from it are called parasites. Example, cascata. Parasites वो plant होते हैं जो किसी एक particular plant के body पे रहते हैं इस तरीके से. Just imagine that this is a tree and this is a plant. So this is a tree and this is a parasite because this is living on it. ये उसके ऊपर रह रहा है तो ये हमारा parasite हो जाएगा. और इस parasite का example है हमारा कसकटा. So these plants do not contain any chlorophyll. ये जो हमारे plants होते हैं parasite, इनमें कोई भी chlorophyll नहीं होता है. इसकी वजह से ये दूसरे plant से derive करते हैं food. इसमें अगर chlorophyll होता है तो ये photosynthesis की process करने के लिए able होते हैं. और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कसकटा, उसका दूसरा नाम होता है डॉडर. कसकटा को डॉडर भी कहते हैं. और कसकटा में हेटरोट्रॉपिक कंडीशन होती है न्यूट्रिशन की. सो देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट. दीज आर वीट रस्ट, कॉर्न स्मट, एंड मिस्टलटोई. एंड देयर आर ऑल्सो सम एनिमल्स हुज आर पैरासाइट. एग्जाम्पल, बेड बग्स, लीचीज एंड मॉस्किटोज. सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज सैप्रोफाइट्स. दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. वो ना हरे रंग के जो पौधे होते हैं, जो हरे रंग के नहीं होते हैं, और गले टाइप के जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे अपना खाना लेते हैं, उसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं. द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंगी. जो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन्हें फंगी भी कहते हैं. इनके एग्जाम्पल्स होंगे मशरूम, यीस्ट एंड रेड मोल्ड. स्टार्ट. जो ये हमारे आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में एक अम्ब्रेला टाइप की शेप में एक ऑर्गेनिक मैटर उग जाता है वुड्स पे, रॉटन वुड्स पे, उसे हम लोग फंगी कहते हैं और वो मशरूम्स होते हैं. ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. और साथ ही साथ ये अपना फूड इस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, ये अपना डाइजेस्टिव जूस है जो वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सो आवर थर्ड टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं अपने वो अपना गुजारा करने के लिए, उनसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. इसकी इंग्लिश डेफिनेशन होगी दोज ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड पार्टिशियली फ्रॉम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. एग्जाम्पल, सनड्यू, पिचर प्लांट एसेट्रा. सो हमारा जो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट उसमें इस तरीके का, ये इमेजिन करिए दिस इज अ पिचर प्लांट. अब ये हमारे ऊपर, ये हमारा लेड हो जाता है और ये हमारा पिचर होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड लीफ. जो हमारा लीव मॉस्किटो होता है, फिर कोई भी हमारा इंसेक्ट होता है, वो जब इसके आगे ऊपर बैठता है फिर वो धीरे धीरे जो इसकी लिड है वो अपने आप क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है उसका खेल खत्म हो जाता है. और जो ये हमारा पिचर प्लांट होता है, फिर हमारा कोई भी नाइटिव इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, उसकी जो लिए हमारी वॉल होती है, ये जो इसका आउटर स्किन एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं वॉल. और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अब्सॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल रहता है. और ये जो हमारे होते हैं ये इंसेक्ट्स से नाइट्रोजन कंपाउंड कलेक्ट करते हैं, इसलिए ये इंसेक्ट्स खाते हैं. और साथ ही साथ ये हमारे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये पार्टिशियल हेटरोट्रॉप्स होते हैं. सो आवर लास्ट टॉपिक इज सिम्बायोटिक प्लांट्स.
The living together of two different species, as they are the part of same plant and help each other for their life, is called symbiotic plants. सिम्बायोटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक दो प्लांट्स के रिलेशनशिप से बनते हैं और इनकी रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है. साथ ही साथ ये एक दूसरे को मदद करते हैं खाना पीना अब्जॉर्व करने में और ढूंढने में. इसका हमारा प्लांट होता है लिचेंस. लिचेंस इस तरीके का एक प्लांट होता है जो एक माइक्रोस्कोप दो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है. ये हमारे ऊपर जो ये हमारे होते हैं एल्गे, और ये नीचे जो हमारी स्टिक्स टाइप की होती है ये होती है हमारी फंगस. और ये हमारा पूरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना है और साथ ही साथ इसको हम लोग लिचेंस कहते हैं और ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. ये सिम्बायोटिक प्लांट्स का एक और एग्जाम्पल होता है रिजोमियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनियस क्रॉप्स. लेग्यूमिनियस क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसकी रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रिजोम्बियम बैक्टीरिया. ये रिजोम्बियम बैक्टीरिया रूट्स नोड्यूल्स में रहकर लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को नाइट्रोजन कंपाउंड्स कलेक्ट करने में मदद करता है. ये रिजोम्बियम बैक्टीरिया हवा से जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे अब्जॉर्व करके नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और सॉइल उसे अब्जॉर्व कर लेती है. थोड़ा बहुत जो हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स खुद यूज़ करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए. ये जो हमारा रिजोम्बियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनियस क्रॉप है इसमें लेग्यूमिनियस क्रॉप के एग्जाम्पल जो जाएंगे ग्राम पीस बीन्स पल्सिस एसेट्रा. और साथ ही साथ हमारे जो रिजोम्बियम बैक्टीरिया है उसने तो ग्रोथ के लिए खाना दिया है और बदले में जो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं वो रिजोम्बियम बैक्टीरिया को घर देते हैं रहने के लिए, मतलब उन्हें अपनी रूट्स में शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन इजीली कमेंट मी. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल हियर यू हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल एंड सेल्स. थैंक यू.